नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आनंद वाली लाइफ के एक नवका व्लॉग में। मेरा नाम है आनंदीप। हम बनाते हैं डेली व्लॉग जो कि सुबह 10 बजे मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर पहुंच जाता। तो अभी हम, जैसा आप मेरे पिछले व्लॉग सबसे नहीं जाने होंगे क्योंकि आप नहीं ना देखते, देखिए सब बहुत गंदा आदत है, डेली देख लिया करिए, 10 बजे पहुंचा। अभी हमें कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे आया नुक्कड़ नाटक करने, यूपी का इलेक्शन कवर करने। और जगह है भाई, जैसे अभी आप गौर से सुनिएगा ना, तो पीछे में वो पंछी सब का आवाज सुनाई देगा, कोलावेरिडी का भी आवाज सुनाई देगा क्योंकि पीछे में बजा रहा। बहुत बढ़िया जगह, मतलब इतना शांति है ना, इतना शांति है, मतलब फैमिली के साथ रहने के लिए तो बेस्ट जगह, बेस्ट। यहाँ खिड़की खोलते हैं डायरेक्ट मोर सब दिख जाता है, और वो जो देख रहे हैं वहाँ पे वो है कोरियन टेम्पल। मंदिर ही मंदिर है, बुद्ध भगवान का मंदिर है, क्योंकि बुद्ध भगवान अपना आखिरी सांस इसी जगह पे लिए। फॉरेनर सब भी मेरा 2-3 को दोस्त बन गया, आपको पता है मेरा दोस्त 2-2 मिनट बनता है। और हम यहाँ पे आए हैं नुक्कड़ नाटक करने के लिए, बात बताए ना, नुक्कड़ नाटक करते हैं, डेली का 5 कर रहे हैं, बस 5-5 मिनट का, 6-6 मिनट का रहता है। गाड़ी आ गया? हाँ हाँ आ गया, गाड़ी आ गया। अरे यार देखिए, हम ब्लॉग बनाने लगे, हमको थोड़ा अथी करना था, क्या बोलते उसको, गलगला करना, गार्गलिन, लेकिन अब तो गाड़ी आ गया, चलते हैं हम लोग कर्नाटक करने। देख रहे हैं गाड़ी आ गया, इसी से जाना है अभी। दोस्तों एक बात बताना तो भूल ही गए, यहाँ पे आए तो गौतम बुद्ध का हमको आशीर्वाद मिल गया, फिर एक इंस्टाग्राम पे वीडियो 1,00,000 ठेक गया, मतलब समझ रहे हैं ना, जितनी भी लड़की लोग हैं अभी आई लव यू बोल दीजिए, क्या कि फेमस होने के बाद समझ लीजिए भा कुछ नहीं होगा, क्या कौशिक जी कुछ होने वाला, कुछ दिन में बहुत फेमस होने, बहुत लाइन लग जाएंगे। अभी जो बोलना है बोल दीजिए। अभी जिनको भी पत्नी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म डालना है, डायरेक्ट पत्नी, गर्लफ्रेंड सब बीच बीच में मत बोलो, बहुत खर्चा हो जाता है, फालतू सिस्टमो सेट नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। तो जिसको जिसको एप्लीकेशन डालना डाल सकते हैं, हम बहुत कर्मठ जुझारू और बढ़िया टाइप का आदमी। चल झूठा फेमस हो जाएगा, मजाक मत, इस चीज मजाक, ब्लॉग में जितना बात हम बोलते सब मजाक ले लीजिएगा, लेकिन ये बात को ना 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 ना, बहुत सीरियस बात बोल रहे। चलिए दोस्तों अब कर ले अपना काम, नुक्कड़ नाटक। दोस्तों फेमस होंगे बाद में, पहले गंतव्य पे पहुंच गए हैं, अब चलिए अपना काम किया जाए। यहाँ पे माइक ले लिए हैं, भोंपू बजेगा, लोग सब आएगा, रौला चलेगा। हेलो भाई और बहनों, आपके सामने पेश होने वाला एक बहुत ही प्यारा सा नुक्कड़ नाटक। A few moments later, दोस्तों चलिए अब दूसरा जगह पहुंच गए गंतव्य का, अब यहाँ पे अपना नुक्कड़ नाटक किया जाए, लेकिन यहाँ पे तो पहले प्रत्याशी सब आनंद रहो बेटा लाल। 4 तारीख को भैया लोग आप सबके बीच आने वाला है आपका इलेक्शन, और आपके पास है आपका सबसे बहुमूल्य चीज, आपका वोट, आपका वोट है आपके पास, और आपको चुनाव करना है सबसे सही प्रत्याशी का। हेलो सत्यपाल लागो, आनंद रहो बेटा लाल। देखते ही बेइज्जती करवा देती, ताली मारने बोल देती है, खाली यही अपनी ही ग्रुप का ताली मारता, आगे पीछे में कोई मारता है नहीं है, झोल कर देती। चलिए दोस्तों अब अपना तीसरा नाटक खत्म, अब जाया जाए विश्राम करने। दोस्तों अभी चलिए विश्राम करने, थोड़ा नाश्ता वास्ता किया जाए। हाँ हाँ हाँ, दोस्तों इससे पहले नाश्ता करने के लिए रुके थे, दुकान वाला बोला भैया ऐसा चाय पिलाएंगे कि आप लोग बोलते रह जाइएगा। अब इस सब मामला में देखिए, अगर गंदा भी चाय पिला दे तो हम उसका दिल नहीं तोड़ते, हम बोल देते हाँ भैया बहुत चाय, बहुत बढ़िया चाय है, क्योंकि अगले बार से जाना नहीं है उसके पास। लेकिन हमारे पास एक डॉन है, बड़का डॉन है, उसको देख रहे उसको है वहाँ पे जो है, उससे नहीं सिर्फ तीखा, सिर्फ तीखा वाला, तीखा मीठा वहाँ दीजिए, मतलब मेरे अंदर ही आदत है, हम बोलते नहीं है कि कैसा बना नहीं है, अगले बार से नहीं जाएंगे उसके दुकान पर। अरे आवाज कम कर लेना ई, लेकिन बोल दी उसको कि भैया आपका चाय बहुत गंदा, बहुत गंदा है। तब उसके बाद वहाँ से भागते भागते यहाँ पे आए हैं दोस्तों, यहाँ पे छोला समोसा तीखा वाला चटनी यहाँ बहुत बढ़िया बनता है। देख रही साला जग लेके बाहर चले आए, देखिए देखिए जग लेके अभी बाहर चले आए। देखिए दोस्तों हम लोग को क्या मिला, नील का, देख रहे मेरा होटल हो गया, यहाँ पे देखिये नील का। दोस्तों नाश्ता वास्ता करके, नुक्कड़ नाटक सब खत्म करके रूम पे आ गए हैं, थोड़ा देर आराम किया, अब चलिए खाने के लिए। बहुत आरामदायी जिंदगी है यहाँ पे, लेकिन जो दो पिंपल हो गया है लेकिन अलग बात है, लेकिन जीवन बहुत आरामदायी से कट रहा है, क्या भा, चला भर दिन सुतले रहता है। चलिए दोस्तों अब खाना पीना खाते हैं, हड्डी तोड़ते, जब से यहाँ पे आए हैं तब से खाली चिकन ही खा रहे हैं, लगभग अभी कितना 6-7 दिन रुके होंगे अपना लोग अभी, और क्या बताए भा, 6-7 दिन में 2 टाइम खाना, मतलब 12 बार ले लीजिए तो उसमें से 10 बार चिकन ही खाए, अभी भी जा रहे वही खाएंगे। चलिए अब चलते हैं, अब होटल इतना बढ़िया जगह पे है ना, ये देखिए ये जो यहाँ आप देख रहे हैं ये हुआ होटल, इस साइड ये जो देख रहे हैं ये हुआ म्यूजियम, गौतम बुद्ध के ऊपर ही बेस्ड है म्यूजियम,
और इस साइड भी देख रहे हैं ब्लू ब्लू कलर का थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये कोरियन टेम्पल। यहाँ पे हर देश का अलग अलग तरह का टेम्पल बना हुआ है, सब टेम्पल का दर्शन करवाए हुए हैं। कुशीनगर करके ब्लॉग है, आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं नुक्कड़ नाटक वाला में। खाना लग गया है दोस्तों, खाना लगाए हमें अब देश प्रेमी जी, इनको देख लीजिए दोस्तों, यही हमको सेवा किए हैं लगभग 5-10 दिन से यही खिला रहे हैं। पीछे में हमारे प्यारे बाबा हो गए। क्या आप देश भैया फिर आएंगे तो भेंटघाट होगा ना? अच्छा सही से बताइए दोस्तों, आप लोग कमेंट करिए, भैया लगते ना हीरो जैसे। हम इनको फर्स्ट दिन ही बात बोले कि आप एकदम हीरो मटेरियल। खाना खा के आ गए हैं दोस्तों, अब भैया पर्दा वर्दा सटा दिए हैं, सो जाएंगे। इतना व्यवस्था टाइट है ना यहाँ पे, इतना व्यवस्था टाइट है, आराम से सोएंगे। 4 बजे फिर से AC वाला गाड़ी आएगा, उसमें बैठ के निकल जाना नुक्कड़ नाटक करने के। वहाँ देख रहे हैं, देख रहे बाइक सब जो जा रहा है, वो निरहुआ का रोड शो है, दिनेश लाल यादव निरहुआ। दोस्तों सो के उठ गए हैं, तैयार वायर हो गए हैं, चलिए अब गाड़ी आ गया है अपना, चलते हैं नुक्कड़ नाटक शाम वाला करने। बस लास्ट यही बना इसी स्टेज दोस्तों, लास्ट नुक्कड़ नाटक की टीम यानी कि आनंद बाबू के नेतृत्व में मैं चाहूंगा कि आप लोग कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। और दोस्तों हम लोग के प्रोग्राम को मध्यंतर में रोक दिया गया है, क्या कि पता चला निरहुआ जी आने वाले, निरहुआ दिनेश लाल यादव, जो लोग नहीं जानते भोजपुरी के बहुत बड़े गायक, मतलब समझ लीजिए ना बहुते बड़े। भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाला 2 फिल्म है, टॉप 3 में दूसरों एक नंबर पे, 2 नंबर पे, दोनों पे उन्हीं का। अभी आने वाले देखने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड। बचपन में जानते हैं हमको सब बोलता था कि तुम निरहुआ जैसा लगता है, निरहुआ जैसे बात करता, सबसे कम पसंद हमको निरहुए था सर। लाल फूल नीला फूल भैया ब्यूटीफुल बस सारा अचानक याद आ गया कि एक बार पूछ लूं कि तुम लोग पहुंचे हो या नहीं। अरे गलती इधर, हम लोग अनाथ हो गए तो पता ना, हम लोग घूम रहे हैं पेट्रोल पंप से जा रहे हैं। दोस्तों बोलने में बड़ा खेद है, निरहुआ आने का बात उसी तरह फॉल्स हो गया जैसे नेताजी का वादा सब होता, मतलब कि पता नहीं तभी से बोल रहा था 5 मिनट में आएंगे 5 मिनट में आएंगे, लेकिन आ ही नहीं रहा। तो हम लोग भी उठ के यहाँ पे चले आए हैं चाय पानी तोड़ा करने के लिए, हमको डर लगता है हम ये सब बात नहीं बोल सकते, चलिए अब चलते हैं। दोस्तों ये अपना मटन आ गया है, देख लीजिए रात का खाना का, ये देख लीजिए खाने का एरिया हुआ यहाँ पे। दोस्तों खाना पीना खा के आ गए हैं समझे, आज तो बवाल हो गया, ऊपर में झगड़ा हो रहा, मतलब यूपी ना तुरंत कट्टे उट्टे निकल जा, आप जानते हैं जनमल का बच्चों कट्टे लेके घूमता, उसके कट्टा से बड़ा तो उसके जेबी में कट्टा रहता। खैर दोस्तों अपना लोग को क्या लेना, अपना लोग तो बहुत शरीफ आदमी, आपको बताया है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। इस ब्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब मार लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो मार लीजिए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो मार लीजिए, ठीक है, धन्यवाद।